नमस्कार मित्रों, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं मारुंडे टीवी। तो खबर देखने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। राजीव कुमार के साथ औरैया यूपी से है, जहां पर रुपये के लेन देन में विवाद। 90 वर्षीय बुद्ध महिला को मारपीट कर पैर व नाक की हड्डी तोड़ी। बीच बचाव करने पर पीड़िता की नातिन के साथ भी छेड़छाड़ व मारपीट का मामला। घटना औरैया के अजीतमल थाना क्षेत्र की है, जहाँ पीड़िता ने बताया है कि मेरे ही गांव के दबंग जोखी गोवध करने का काम करते हैं, जिन्होंने अपने घर की महिला को साथ मिलकर शिकायत करता कि 90 वर्षीय सास पर जानलेवा हमला कर एक पैर व नाक की हड्डी तोड़ दी। जब शिकायत करता महिला की पुत्री ने अपनी दादी को बचाने का प्रयास किया, तो विक्षिगणों ने शिकायत करता की पुत्री के साथ छेड़छाड़ व मारपीट कर कपड़े फाड़ दिए हैं। पीड़िता ने बताया है कि मैंने एक वर्ष पूर्व विक्षिगणों की भूमि खरीदने के लिए 2,07,000 रुपया दिया है। इसके बाद विक्षी भूमि का बेनामा नहीं करना है तथा पीड़िता के द्वारा दिया गया रुपया भी बेईमान करना चाहते हैं। उक्त भूमि खरीद के लिए दिए गए रुपयों के लेन देन को लेकर विवाद होता आ रहा है, इस कारण ईर्ष्या रखते हैं। पीड़िता की शिकायत कर पूरे क्षेत्र पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया गया। इसके बाद विक्षिगणों का धारा 151 की कार्रवाई कर उन्हें छोड़ दिया है तथा पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई ना करने पर शिकायतकर्ता महिला व उसकी सास को जान से मार देने आदि की धमकी दे रहा है। जब उस लड़की को मारा है इन्होंने लड़ाई की जब पैसे के पीछे, तो हम सो रहे थे तो हमें आगे एक दम मारन लगी थी, कतरी टुकरिया को मारे बूढ़ी को अलियाजन ने, कल्लो ने, सीमा ने तो इनका पैर टूटा, उनके चेहरे पे भी काफी चोटें लगी हुई हैं। क्यों मारा गया, क्या कारण रहा, किन लोगों ने मारा है? इस वजह से कि 50 साल से मेरे खेत लिया था इन्होंने, इन पे बच्चियों से, तो जो लोग उनके नाम आ गया तो मेरी डोकरी को ये मारना चाह रहे। मैंने कौन नाम लोग मार रहे, मार कौन लोग रहे? रईस सोए गैया काटते हैं, पड्डा काट कर गैया मिला के बेचते हैं। कहाँ बेचते हैं जी? अपने